नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिहार की शिक्षक भर्ती के रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है और बीएड को बिहार की शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे बीएड के अभ्यर्थियों को, कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम उनके द्वारा शुरू की जा रही है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पुनः शामिल करने के लिए, क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे एनसीटी को एक बड़ी सलाह दी जा रही है कि आप नियमों में जो संशोधन है वो किस तरीके से करके बीएड को पुनः शामिल कर सकते हैं। बात करेंगे केवीएस रिजल्ट के रिकॉर्डिंग, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर अभी अभी पब्लिश किया गया है। ये बिहार की प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जहां पर बीएड पूरी तरीके से पात्र किया गया था नोटिफिकेशन में और वो लोग एग्जाम भी कंडक्ट एग्जाम में बैठे थे। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को बीएड को पीआरटी सेक्शन से इनवैलिड कर दिया गया था और एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 को उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो डीएलएड के स्टूडेंट थे उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर इस मामले को ले गए और बताया कि बिहार की शिक्षक भर्ती में आप बीएड को किस तरीके से आप पात्र कर रहे हैं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो एग्जाम के पहले ही आ गया था। बीपीएससी के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उसी के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर इस मामले को पुनः लिसन किया गया था और वहां पर आप देख सकते हैं ऑर्डर में उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो पहले का आप कह सकते हैं गजट है 2010 का, उसको लेट डाउन करके बीएड को 2018 में एनसीटी ने केंद्र सरकार के इशारे पर शामिल किया था, जो पूरी तरीके से इलीगल है। यानी कि जो पहले का गजट था 2010 का, उसमें केवल और केवल डीएलएड ही प्राथमिक स्तर के लिए वेटर था। बीएड को किसी भी प्रकार से कोई अनुमति नहीं थी प्राथमिक में, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 28 जून 2018 का एक नया गजट संशोधित करके एनसीटी ने पारित किया, जिसमें बीएड को उन्होंने जो वैलिड कर दिया था, जो पूरी तरीके से गलत है। और वही आर्डर आप देख सकते हैं बिहार के शिक्षक भर्ती से बीएड को पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से हटाने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर पूरी ये बातें मेंशन की गई हैं कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती प्रक्रिया को आप सुचारू रूप से चलाइए। यानी कि बिहार की शिक्षक भर्ती से बीएड पूरी तरीके से हट चुका है। आपके सामने कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी भर्तियां पहले की भर्तियां हैं निश्चित तौर पर उस पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ये भी जजमेंट के पहले का नोटिफिकेशन था। डियर, बिहार की शिक्षक भर्ती मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर एग्जाम इसका भले ही जजमेंट के बाद हुआ था, लेकिन जो इसका नोटिफिकेशन है वो जजमेंट के पहले आया था। और इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं विद्यालयों में चयनित होकर के, उन सब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से एक ही केवल पॉइंट पर टिका हुआ है और वो ये कह रहा है कि बीएड बेटर नहीं है प्राथमिक के लिए, केवल डीएलएड ही बेटर है। अगर बीएड बेटर होता तो उसको 6 माह के ब्रिज कोर्स की आवश्यकता क्यों, उसके पास प्राथमिक लेवल का प्रशिक्षण नहीं है, वो प्राथमिक लेवल के लिए जो चाइल्ड पेडागोजी होती है बाल मनोविज्ञान उसका उसको अध्ययन नहीं है। इस तरीके की कई जो बातें उन्होंने मेंशंस कर दी थी और एनसीटी ने केंद्र सरकार के दबाव में आकर के जल्दबाजी में इस गजट को बनाया था, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो बिहार की शिक्षक भर्ती से बीएड को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर चस्पा है। अब जब इसको हटा दिया गया तो आज दिनांक 5 सितंबर शिक्षक दिवस के इस बड़े अवसर पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रयागराज पर एक महापंचायत होने जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 11 बजे बालसन चौराहे पर एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और ये लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश लाइए, विधेयक लाइए, बिल लाइए और हमको पुनः प्राथमिक में शामिल कीजिए, या तो 2023 के वर्तमान सत्र तक सभी बीएड छात्रों को शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने एनसीटी के बनाए रूल के अकॉर्डिंग किया है। इस तरीके की जो मांग है ये लगातार ये लोग कर रहे हैं और आज प्रयागराज में अभी 11 बजे सुबह एक बड़ा कहीं ना कहीं आप प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलती, धरना प्रदर्शन से फिलहाल कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बीएड को अब प्राथमिक स्तर पर लाने के लिए काफी टेढ़ी खीर है। एनसीटी भी पूरी तरीके से जो अपनी हार है वो मान चुकी है, उसने अपने हाथ पूरी तरीके से पीछे खींच लिए हैं। वहीं पर केंद्र की जो केंद्र सरकार है एमएचआरडी है वो भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर अपनी मुहर लगाती दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे एंगल से हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है कि किस बेसिस पर हम बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर कर रहे हैं। डियर, इसी के क्रम में आप देख सकते हैं
कहीं ना कहीं ये एनसीटी को, ये जो बीएड के स्टूडेंट हैं, ये लगातार आप परामर्श देने लगे हैं कि आप किस आधार पर बीएड को पुनः शामिल करा सकते हैं, क्योंकि जिन बिंदुओं के आधार पर बीएड को हटाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहां पर ये लोग संशोधन और सलाह की बात कर रहे हैं। या आप देख सकते हैं ये जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं उनको एक लेटर ज्ञापित किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरीके के सुझाव और सलाह से ना एनसीटी चलती है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट चलती है डियर। तो इस तरीके से फिलहाल कहीं कुछ होने वाला दिख नहीं रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट, यहाँ पर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने एक बड़ा ताबड़तोड़ और एक्शन लिया है, क्योंकि आप जानते हैं जो पंचायत आज प्रयागराज में हो रही है डियर, होने वाली है सुबह 11 बजे, उसके संदर्भ में डीएलएड के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सभी बीटीसी और डीएलएड के साथी प्रयागराज पुलिस को जानकारी दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय का पालन सभी राज्यों के लिए सर्वोपरि है। इन बीएड वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उचित धाराएं लगाई जाएं। भी जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का कहीं ना कहीं हवाला दे रहे हैं डियर, क्योंकि आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके विरोध में बीएड के अभ्यर्थी ये महापंचायत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना है। अगर इसके ऊपर सरकार अध्यादेश ला देती है तो निश्चित तौर पर वो भी सरकार की, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ही कह रही जजमेंट की। इसलिए ना सरकार किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डिनेंस लाने वाली है, ना एनसीटी इस पर रिव्यू पिटिशनर लगाने वाली है, क्योंकि एनसीटी और केंद्र की शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार को बखूबी ज्ञात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं के आधार पर बीएड को प्राथमिक लेवल से लगातार हर स्टेट से बाहर कर दिया है, वो निश्चित तौर पर उन पॉइंटों को किस आधार पर बचा सकती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि शुरुआत से आपने देखा था कि केंद्र सरकार, एनसीटी, एमएचआरडी सब ने काफी मजबूती के साथ पैरवी की थी कि बीएड को हम प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र करा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए 46 पेज के जजमेंट में सारी बातें पूरी तरीके से डिस्क्राइब हैं, सिवाय एक बात का मेंशन नहीं वहां पर किया गया स्पष्ट रूप से कि जो गजट है 28 जून 2018 का, ये जब बना है तब से रद्द माना जाएगा या जिस दिन से फाइनल डिसीजन आया है उस दिन से रद्द माना जाएगा। लेकिन बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो आज फैसला आया है, निश्चित तौर पर अब उसमें आधी बातें क्लियर हो गई हैं कि जो गजट जब से बना है, जब से लागू हुआ है, तभी से इस जजमेंट को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। यानी कि जब गजट बना था, जब से लागू हुआ है, तभी से ये फैसला फाइनल जजमेंट लागू होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो निश्चित तौर पर जो लोग शिक्षक बनकर के सेवाएं दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, चाहे वो 69,000 में चयनित साथी हो हमारे उत्तर प्रदेश के, या एमपी वर्ग 3 के हो, या पश्चिम बंगाल में हो, या ईटीटी के हो, या छत्तीसगढ़ में हो, किसी भी राज्य में हो, उन सब पर पूरी तरीके से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि जिस गजट के आधार पर ये लोग जॉब कर रहे हैं उस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है, तो इन सब की सेवाएं पूरी तरीके से खतरे में हैं। देखिए डियर, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी पढ़ सकते हैं। मैं किसी बीएड या डीएलएड किसी एक साथी का सपोर्टर नहीं, बल्कि आपको सत्य से रूबरू करवाता हूं। चैनल छोटा जरूर है, लेकिन आपको सटीक और ऑथेंटिक अपडेट के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से बिहार में आज शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया है, जहां पर 2010 के गजट को सही बताया गया है और 2018 के गजट को कहीं ना कहीं सरकार की एक तरीके से तानाशाही बता दी गई है केंद्र सरकार की, और एनसीटी ने केंद्र के दबाव में आकर के उनको शामिल किया था, इंक्लूड किया था बीएड को, इस तरीके की सारी बातें आदेश में लिखी हुई हैं। वहां से यही आदेश पर यही बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जब से गजट लागू हुआ है, बना है, तभी से सारी भर्तियां पूरी तरीके से रद्द होने के चांसेस बन रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में चस्पा कर दीजिएगा। बीएड किस तरीके से जो पुरानी भर्तियों पर है उनको क्या सरकार बचा पाएगी, केंद्र की सरकार, एनसीटी, या पूरी तरीके से वो सब भी कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जद में आ रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। कोई बात अगर बुरी लगी हो माफ कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।